इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आर.एन. कछुए जी, इनसे हम कुछ सवाल इनके घोषणा पत्र पे पूछना चाहते हैं। सर, जैसे कि आपने महिलाओं के लिए लिखा है कि 50% उनको वुमेन्स को हर सेक्टर में आप डालेंगे, तो किस तरीके से आप वुमेन्स का प्लेसमेंट करना चाहते हैं हर जगह पे? अभी हम पहले से ही कहते आए हैं कि जब महिला जो है अपना परिवार संभालते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, जब घर द्वार संभाल सकते हैं तो देश का राज क्यों नहीं संभाल सकते। इसलिए हमको हम बराबरी का स्थान देना चाहते हैं। हमारे जितने भी प्रत्याशी रहेंगे, समझो 500 है तो 250 वो महिला रहेंगे, ये और हर एक क्षेत्र में हम उनको बराबरी का स्थान दे देंगे। जैसे कि सर आपने बोला है कि पेट्रोल डीजल के भी प्राइसेस आप फ्री कर देंगे, तो सर किस तरीके से ये चीज़ हो सकता है? क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आप हटा देंगे तो फिर सरकार या आगे कैसे आप चलाओगे? उसमें ऐसा है कि हमारे देश में इतना नेचुरल सोर्सेस है कि जो एनर्जी है, तो हमारे पास हमारे देश में बड़े बड़े पर्वत है, वहाँ हम विंड मिल की तरह से हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। हमारा गंगा नदी जैसे 12 महीने जो नदियाँ है वो बहते हैं, वो हर एक एक दो दो किलोमीटर पे हम अगर उसके ऊपर ये एनर्जी क्रिएट करेंगे। इसके अलावा समुंदर, हमारा तीनों देश के तीनों कोने पे हमारा समुंदर है, वहाँ से भी हम एनर्जी क्रिएट करें। और हमारा पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा सूरज जो है, सूरज की जो देन है, वो सूर्य प्रकाश से हम जो है सोलर एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे देश में इतना एनर्जी हो जाएगा, 6 महीने अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो पूरे देश में इतना एनर्जी हो जाएगा कि हमारा एनर्जी फ्री देने के बावजूद भी पूरे दुनिया को भी हम सप्लाई कर सकते हैं। और आजकल तो हम देख रहे, बाइक हो, मोटर कार हो, सब ये सोलर के ऊपर चल रहे हैं, यानी एनर्जी के ऊपर चल रहे हैं, या बैटरी चार्ज करके चल रहे हैं, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा पेट्रोल डीजल का। सर, जैसे कि साउथ बॉम्बे में पार्किंग का बहुत इशू है, तो आपको क्या लगता है इधर कैसे जगह बनाओगे पार्किंग के लिए? अभी इसमें ऐसा है कि जो लोग चार चार पांच पांच गाड़ियां रखते हैं, उनको हमें समझाना पड़ेगा कि चार पांच गाड़ियां यूज करने की जरूरत नहीं, एक या दो जितना जरूरत है उतना रखना चाहिए। और आज जो हम देख रहे मोनोरेल हो या अपना जो मेट्रो हो या पब्लिक सेक्टर में जैसा बेस्ट अच्छी तरह से यहाँ चलती है, उसमें भी सुधार लाना चाहिए। और देखा जाए तो उसमें कोई लॉस नहीं है, मगर राजनीति के तहत उसमें लॉस दिखा रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर के जो भी ये मोनोरेल हो, बेस्ट के गाड़ियां हो, इसको बढ़ा देंगे, इसलिए कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ के बुजुर्गों के लिए कुछ आपने सोचा है, कुछ विचार का? इधर ऐसा है कि हमने जब अभी ये पूरा ये इलेक्शन का जो दौरा हुआ, वो बुजुर्गों की हाल बहुत खराब है, उनकी सुरक्षा का प्रश्न है, उनकी हेल्थ का प्रश्न है, तो हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मोबाइल क्लिनिक हर जगह पे, हर वार्ड स्तर पे शुरू करने का सोचा है। भले हम चुन के आए या ना आए, मगर हमारी पार्टी की तरफ से हम वार्ड स्तर पर वो शुरू करेंगे और वृद्धों का जो है हम सुरक्षा का जिम्मा ले लेंगे।